Hello, we discussed about parts of speech in the last class and we decided that we will do all parts of speech one by one. Today, we need to start with the first topic and that is nouns. Right, so nouns, as we discussed, noun is the name of a person, place or thing. Right, noun is the name of a person, place or thing. Then, if noun is the name of a person, place or thing, when I say honesty is the best policy, when I say honesty is the best policy, here, what is honesty? This is the question. Honesty is also a noun. But is it the name of a person? Is it the name of a place? Or is it the name of a thing? You may be clear, you may not be clear. By the end of this class, you will understand how honesty is a noun. Because for that, we will have to go into deeper details about the types of nouns or the kinds of nouns. Then you will be able to tell what is this, how honesty is a noun or how policy is a noun. Fine. In the parts of speech, you also must understand before I elaborate this topic that a word is not a noun or an adjective or an adverb or a verb. It is actually used as a noun or a verb or an adjective. For example, if I give you a word water, water मतलब पानी, water मतलब पानी. अब आपसे कोई पूछे कि ये water जो है, सर ये noun है कि verb है कि adjective है, क्या है? आप नहीं बता सकते जब तक कि use नहीं होता. Example देखते हैं. I saw a water bird. एक हो गया. Get me some water. थोड़ा पानी लेके आओ मेरे लिए. Get me some water. Again, water हो गया. ये भी water है. या तीसरा मैं यूं कहूँ. He is watering the plants. तीसरा ये हो सकता है. He is watering the plants. अब यहां पे भी देख लीजिए आप, तीनों सेंटेंसेस में मैंने वाटर वर्ड यूज किया है. आई सॉ ए वाटर बर्ड, गेट मी सम वाटर एंड ही इज वाटरिंग द प्लांट्स. अब इन तीनों सेंटेंस में आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आई सॉ ए वाटर बर्ड, बर्ड यहां पे क्या है? नाउन, नेम वर्ब है, पर्सन प्लेस ऑफ थिंग. और नाउन के मीनिंग में जो एड करे, विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन इज एन एडजेक्टिव. पिछले क्लास में हमने किया था. तो ये किस टाइप का बर्ड है भाई? वाटर बर्ड है. तो बर्ड में ही कुछ ऐड कर रहा है, बर्ड की क्वालिटी बता रहा है, बर्ड की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है. तो यहां पे वाटर क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है. दूसरा देखिए, गेट मी सम वाटर, मेरे लिए पानी लेके आओ. सो पानी यहां पर क्या है? किसी चीज का नाम है. सो यहां पर वाटर जो है वो नाउन हो गया. यहां पे वाटर नाउन हो गया, यहां पे वाटर एडजेक्टिव था, यहां पे वाटर एडजेक्टिव था, यहां पे नाउन. ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स. आपको बताया था पिछली क्लास में मैंने, वर्ब क्या होता है? एक्शन को बोलते हैं. प्लेइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये सब क्या है? वर्ब है. So, ऐसे ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स, पानी दे रहा है, पानी देने की क्रिया है, पानी देने की प्रोसेस है, पानी देने का एक्शन है. तो यहां पे वॉटरिंग क्या हो गया? यहां पे वॉटरिंग हो गया वर्ब. तो अब आपने देखा कैसे एक ही वर्ड वॉटर को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. जब आप बोलते हो आई सॉ ए वॉटर बर्ड, यहां पर वॉटर एडजेक्टिव है क्योंकि ये बर्ड की विशेषता बता रहा है, क्योंकि ये इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए बर्ड. Get me some water, यहां पे किसी चीज का नाम है, तो यहां पे water noun है. और he is watering the plants, पानी दे रहा है, तो ये कोई action है, यहां पे ये verb है. Same word can be used as a noun or as a pronoun or as an adverb, etc. Fine. Unless it is used in a sentence, you cannot tell clearly what is it, which part of speech is it. We are discussing today nouns, first part of speech as we discussed. So let's begin with the definition of nouns. The definition of noun, as we discussed, was name of a person, place or thing. अब उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. हमने किया था कि noun is the name of a person, place or thing.
ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि नाउन को थोड़ा उसने और इलाबरेट किया है, ऐसा दिया हुआ है कि एनीथिंग विच यू कैन सी, स्मेल, टेस्ट, टच और हियर, ये पांच वर्ड है, सी, स्मेल, टेस्ट, टच और हियर। एक दूसरा, एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, यू मे नॉट बी एबल टू परसीव बाय सेंसेस, और एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, उसको भी नाउन बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन और ऐड की हुई, अलग अलग तरीके से दी हुई, मीनिंग सेम है। जब आप टाइप्स ऑफ नाउन्स या काइंड्स ऑफ नाउन्स कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखें कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन्स या टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। पहला प्रॉपर नाउन, शुरू से देखेंगे। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा मेटीरियल नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन। और एक और होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ज्यादा डेप्थ में जाके उनकी डेफिनेशन रटने की बजाय पर्पस हमारा क्लास कंडक्ट करने का ये है कि समझ में आए कि होता क्या है। तो पांच टाइप के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांच ही टाइप्स हैं, ठीक है। और लेट्स स्टिक टू आवर सिंपल डेफिनेशन, नाउन किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को बोलते हैं। पहली आपने बोला प्रॉपर नाउन सर, ठीक है। प्रॉपर नाउन में आप देखिए प्रॉपर किसी पर्सन का नाम, जैसे आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम परीक्षित है, फॉर एग्जाम्पल परीक्षित, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, किसी प्रॉपर बच्चे का, लड़के का नाम है परीक्षित। प्लेस, लेट्स से प्लेस हो गया हिसार, ये किसी प्लेस का नाम है, और लेट्स से न्यू दिल्ली, व्हाटएवर। थिंग, थिंग किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, लेट अस से पेन, पेन हो सकता है, या किसी फिर देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, उसी चीज के लिए जो कॉमन चीज है, जैसे परीक्षित का मतलब क्या है, प्रॉपर, विशेष, किसी खास आदमी की बात करें वही लड़का है परीक्षित। किसी भी लड़के को आप क्या बोलते हो, कॉमन, विच इज कॉमन टू ऑल, सभी लड़कों को आप बॉय बोल सकते हो, लेकिन सभी लड़कों को आप परीक्षित नहीं बोल सकते, परीक्षित आप उस प्रॉपर आदमी को बोलते हो, और कॉमन किसी भी लड़के को बोल सकते हो, दैट इज कॉमन नाउन बॉय। लेट्स से हिसार, हिसार और न्यू दिल्ली, आप उस प्रॉपर सिटी को बोलते हो जो उसका प्रॉपर नाम है, लेकिन सिटी वर्ड आप किसी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, या कंट्री वर्ड कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंडिया जो होगा वो विशेष का नाम हो जाएगा। ऐसे ही थिंग्स के लिए, तीनों में जब आप विशेष लगाएंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, और उनके लिए जो कॉमन नाम है वो बॉय, सिटी, इस तरह से। फिर आप देखिए, आप एक एग्जांपल देंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार जो है प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऐसे बोलते हो, गांधी जी हो, मान लो गांधी जी, अब आप बताइए गांधी जी क्या है, गांधी जी क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन हुआ ना, क्योंकि किसी आदमी का नाम है, इसका कॉमन नाउन क्या होता, मैन होता। तो अगर मैं ये कहूं ही इज द गांधी जी ऑफ अवर क्लास, आप समझिए इस बात को, प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता है, ठीक है, ही इज जसवीर सिंह, बस ही इज द जसवीर सिंह तो हम बोलते नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी के नाम के आगे या प्रॉपर नाउन के आगे दा लगा दिया, इसका मतलब इसका विशेष यूसेज है। यहां पर आप गांधी जी की बात नहीं कर रहे, आप गांधी जी की क्वालिटीज की बात कर रहे हो। जैसे आपने जब ये बोल दिया ही इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, तो इसका मतलब है वो जो आदमी है जिसकी आप बात कर रहे हो वो हमारी क्लास का गांधी जी है, मतलब आप गांधी जी की क्वालिटीज की बात कर रहे हो। आपको कैसे पता चला इसका नाम गांधी है या गांधी की क्वालिटीज है? अगर उसका नाम गांधी होता तो आप सिर्फ गांधी बोलते, लेकिन अब जैसे आपने दा लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं।
समझ सकते हैं। जैसे मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं रोहतक, रोहतक इज द लंदन ऑफ हरियाणा। अगर ऐसा बोलूं, मान लो एग्जाम्पल के लिए, रोहतक इज द लंदन ऑफ हरियाणा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द सिटी रोहतक हैज गॉट द क्वालिटीज ऑफ लंदन। द लंदन बोला, इसका मतलब लंदन की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, ना कि लंदन शहर की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन में दा लग जाए, प्रॉपर नाउन में या किसी नाम के आगे दा लग जाए, तो इसका मतलब आप वहां पे क्वालिटीज की बात करते हैं, ना कि उस प्रॉपर चीज की। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। फिर हम मेटीरियल नाउन की बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए मेटीरियल नाउन का क्या मतलब है? मेटीरियल नाउन से यह मतलब है मेटीरियल और सब्सटांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मेटीरियल और सब्सटांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जैसे आप बोलेंगे प्लास्टिक है, ठीक है, आप बोलेंगे वुड है, ठीक है, आप बोलेंगे गोल्ड है, सब मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? प्लास्टिक है, वुड है, गोल्ड है, या और मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारे के सारे चीजें मेटीरियल नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? मेटीरियल नाउन में। फिर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन से मेरा मतलब है द नेम गिवन टू ए कलेक्शन, द नेम गिवन टू ए कलेक्शन। जैसे आपने आर्मी बोला, क्लास बोला, टीम बोला, इस टाइप से, कैटल बोला, आर्मी, क्लास, टीम, कैटल, ज्यूरी, कोई भी वर्ड, सोल्जर्स, कोई भी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, व्हेन दे आर गिवन ए सेपरेट वर्ड इट बिकम्स ए कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर गिवन ए सेपरेट नेम इट बिकम्स ए कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन द सेम वे टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स बोल सकते हैं, इसलिए हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब यहां पे आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मतलब है आपका फीलिंग्स और स्टेट, फीलिंग्स और स्टेट, स्टेट मीन्स पोजिशन। अब यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ फीलिंग, जैसे मान लीजिए लव, लव इज अ नाउन एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट्रेड, हेट्रेड इज अ नाउन एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप जहां से हम शुरू हुए थे क्लास, हमने पहला सेंटेंस ये डिस्कस किया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब वो जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ऑनेस्टी जो वर्ड हमने स्टार्टिंग में किया था, दैट वॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स और स्टेट और इमोशंस। इमोशन स्टेट कैसे बोला? जैसे चाइल्डहुड, यूथ, मैनहुड, ये सारे जो हैं, ये स्टेट के लिए यूज करते हैं, स्थिति, पोजीशन। और फीलिंग्स के लिए जैसे मैंने आपको लव बताया, हेट्रेड बताया, इस टाइप के फीलिंग्स के। तो ये पांच टाइप के नाउन हमें क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है। कॉमन नाउन, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मेटीरियल नाउन, नेम गिवन टू सब्सटेंस और मेटीरियल ऑफ विच दे आर मेड। कलेक्टिव नाउन, नेम गिवन इन टू ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली फीलिंग्स और स्टेट। दीज आर द फाइव बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन्स। देन दिस इज व्हाट वी डिड, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। इफ इट इज क्लियर, देन वी कैन हेड ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक इन दिस नाउन्स। नेक्स्ट सेज, सब टॉपिक सेज जेंडर ऑफ नाउन्स। जेंडर, जेंडर में आप ये समझिए कि जैसे मेल फीमेल, बॉय गर्ल, मैन मेन, इस टाइप से मेल फीमेल तो है ही, लेकिन मेल फीमेल तो आपको अपने आप आ जाएगा। जेंडर की कहां पे प्रॉब्लम आती है? जब नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात करते हो तब आपको जेंडर ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या जेंडर लगाऊं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स पोएट्री में स्पेशली आ गया, मान लीजिए लेट्स से शिप है, मून है, ठीक है ना, अर्थ है, ठीक है, कंट्री है,
नेचर है, इस टाइप का कोई वर्ड आ जाता है तो उस वहां पे जहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है वहां पे हमें सोचना पड़ता है कि इसका क्या करें। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये समझिए आप, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है व्हेन यू ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स, व्हेन यू ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जब आप निर्जीव चीजों को एज ए पर्सन मान के बात करते हो तो आपको समस्या आती है कि इसका जेंडर कौन सा होगा। तो आप यूं समझ लीजिए एज ए थंब रूल यूं समझ लीजिए कि जो भी चीजें जो है सॉफ्टनेस या पोलाइटनेस को दिखाएंगी वो उन सबको आप फेमिनिन मानिए, सॉफ्टनेस या पोलाइटनेस को दिखाएंगी उनको आप फेमिनिन मानिए, ठीक है। और जो भी स्ट्रेंथ और वीगर को दिखाती हैं, स्ट्रेंथ है वीगर है उसको आप मेल मानिए। जैसे मून जो है ठंडा होता है ये फेमिनिन जेंडर कहलाएगा, सन मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ है प्रकृति, फेमिनिन जेंडर। कंट्री को शी मानते हैं हमेशा, नेचर को शी मानते हैं हमेशा, सन को स्टॉर्म को स्टॉर्म तूफान, ठीक है। इस टाइप की जो चीज ज्यादा एनर्जी को दिखाती है एग्रेशन को दिखाती है उन सब चीजों को आप मेल मान लेना, और जो चीज कूल है शांत है सॉफ्ट है सूदिंग है उनको फेमिनिन जेंडर मान लेना अगर आपको पर्सोनिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो, एज ए थंब रूल। वैसे तो ग्रामर बुक्स में उनके नाम दिए ही हुए नहीं दिए हुए ऐसा आ गया जो आपको नहीं पता था, फिर आप बस ये सोचिए कि ये किस चीज को दिखाता है। हिंदी से कंपेयर मत करना। अब हिंदी में तो देखो ये जो आपका मून है चंदा क्या था, चंदा मामा था मतलब मैस्कुलिन था, चंदा मामा बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश में जाके फेमिनिन जेंडर हो गया चंदा मामी हो गया, ठीक है ना। सन हो गया मैस्कुलिन, मून है फेमिनिन। ये हमने जेंडर की बात की कि जेंडर कैसे हम पता करें अगर पर्सोनिफिकेशन हो जाए तो, यानी कि नॉन लिविंग को अगर लिविंग मान लिया जाए तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका किसको मेल माने और किसको फीमेल माने। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जेंडर के बाद हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर के बारे में, नंबर के बारे में कि नंबर कैसे पता करेंगे। नंबर भी दो ही होते हैं मोर और लेस। नंबर पहला हमने जेंडर को टच किया फिर अब हम नंबर को टच कर सकते हैं। नंबर से मतलब है मेरा कि या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है वो नंबर होता है। जैसे मैन और मैन या बॉय एंड बॉयज ये सिंगुलर और प्लूरल हो गए, ठीक है। यहां तक तो ठीक है सिंगुलर और प्लूरल करने में, सिर्फ हमें दिक्कत कब आती है जब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है कमांडर इन चीफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ अगर वर्ड दिया है तो यहां पे हम कैसे करें सर, बहुत सारे कमांडर एक जरूरी नहीं है, कमांडर्स और भी हो सकते हैं। कमांडर अगर ज्यादा है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। मान लीजिए सिस्टर इन लॉ है, साली को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं और भाभी जी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो अगर इनको हमें प्लूरल करना है, ये सिंगुलर है, अगर हमें इसे प्लूरल करना है तो सिस्टर इन लॉज करें या सिस्टर्स इन लॉ करें, क्या करें बताइए। सिस्टर्स इन लॉ क्या रहेगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप ये देखते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं कि गर्ल्स कौन सा करूं, गर्ल्स हॉस्टल अगर मुझे लिखना है तो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल कौन सा ठीक रहेगा। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब तो एक लड़की का हॉस्टल हो जाएगा, और अगर प्लूरल लगाऊंगा तब इसका मतलब होगा कि एक से ज्यादा लड़कियों का हॉस्टल होगा, ठीक है। दैट इज गर्ल्स एंड गर्ल्स हॉस्टल। देन वी कैन हैव केसेस ऑल्सो, केसेस मीन्स अब केस और समझ लो आप। ये हमने नंबर को टच किया, अभी जेंडर को टच किया, फिर हमने नंबर को टच किया, अब हम केस को और टच कर लेते हैं। केस में क्या समस्या होती है कि ये देखिए केस तो तीन टाइप के होते हैं, कौन सा, या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या पजेसिव होगा। देखिए सब्जेक्ट केस तीन टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस पजेसिव केस एंड
ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. सब्जेक्टिव केस का मतलब है व्हेन द नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट. व्हेन द नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इट इज सब्जेक्टिव केस. व्हेन द नाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव केस. एंड व्हेन पजेशन इज शोन इट बिकम्स अ पजेसिव केस. अब सर इसका मतलब क्या, मतलब समझो, मतलब देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि उमेद उमेद किक्ड मी, ठीक है, उमेद किक्ड मी. अब उमेद किसी का नाम है तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है. सब्जेक्ट का मतलब है जो एक्शन करता है, करता, करता मीन्स हु डज दैट थिंग. सो उमेद किक्ड मी, ठीक है. सो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, उमेद है. और ये जो मी था यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. दूसरा कर लीजिए आप, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको, ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया आपको. तीसरी बात है पजेसिव केस और समझ लें हम लोग. पजेशन स्वामित्व को दिखाता है. स्वामित्व मतलब हु इज द ओनर ऑफ दैट. उसमें जनरली हम लिविंग बींग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं. जैसे ए लेट्स से गर्ल्स लैंग और फिर बॉयज लैंग, बॉयज लैंग कर लो. समबड़ी में फील ऑफेंडेड, गर्ल्स लैंग का कुछ और मीनिंग निकाल देंगे. बॉयज लैंग कर लेते हैं. बॉयज लैंग लड़के का पैर, ठीक है, बॉयज लैंग लड़के का पैर. एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो. राम्स हाउस, राम्स हाउस भी लगा सकते हो. राम का घर, जो पजेशन दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ये पजेसिव केस दिखाते हैं. लेकिन आप टेबल्स लेग नहीं बोल सकते. टेबल्स लेग मस्ट बी अवॉइडेड. टेबल्स लेग, वो टेबल होती है ना, टेबल के चार पैर होते हैं, उसको आप टेबल्स लेग ना लिखें. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. इट मस्ट बी रिटन एज लेग ऑफ द टेबल. इट मस्ट बी रिटन एज लेग ऑफ द टेबल. What does it mean? It means that we should ensure that non-living things should be avoided in these possessive cases. It should be leg of the table. Instead of table's leg, we should go for leg of the table. इस टाइप से आपने इसको केसेस की भी स्टडी करनी है. तो हमने नाउंस में जो मेन चीजें की हैं, हाँ, एक वो बहुत बहुत बार बार आता है, ये फिक्स है, ours, yours, theirs, ठीक है, इसमें कोई apostrophe s वगैरह नहीं लगता, ये सीधे हैं, o u r s, ours, yours का y o u r s, t h e i r s. अगर आप ऐसा लिख देते हैं कई बार yours, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है. ऐसा हमें नहीं लिखना है. ये apostrophe s वाला जो सिस्टम यहां पे है, दिस इज absolutely, absolutely wrong and must be avoided. So, to recapitulate what we have done today, and also I talked about numbers, I talked about singular and plural. In that, I want to add something. Singular and plural में क्या है बेटे, कि कई बार कुछ इसमें exceptions हैं nouns में. कुछ singular होते हुए भी plural की तरह use होते हैं, कुछ plural होते हुए भी singular की तरह use होते हैं, इस टाइप से. जैसे example लेता हूं मैं, numbers की अगर मैं बात करूं फिर से, जैसे पीपल, पब्लिक, वर्मिन, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, ठीक है, ये इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो है दे आर ऑल, सीजर्स है, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. कैटल भी है इसी में, कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आप कैटल इज कभी नहीं बोलते. ये सब प्लूरल है, मीन्स इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ये तो समझते हो ना. कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ. कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये प्लूरल वर्ब हुआ, आर. सो ऑलवेज यूज प्लूरल विद कैटल. ऐसे ही है पब्लिक, वर्मिन, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, एटसेट्रा, दे आर ऑलवेज यूज विद, दे आर ऑल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये प्लूरल है, आप ऐसे बोलें, दे आर ऑलवेज यूज विद प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल के लिए, जैसे पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ,
ये आपसे मैंने ये पूछा है पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ होना चाहिए या पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ होना चाहिए। आधों को तो इसी में डाउट है कि हैज सिंगुलर है या हैव प्लूरल है, कौन सा क्या है। हैज सिंगुलर होता है, हैज इज सिंगुलर एंड हैव इज प्लूरल। सो आपसे क्वेश्चन ये है कि पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ करूं या पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ करूं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा इट इज ऑलवेज प्लूरल। ये ठीक है और ये गलत है। अभी बताया भी था मैंने आपको कि ये सब जो है प्लूरल के साथ यूज। ये पता ही होगा पब्लिक क्या होता है, वर्मिन क्या होता है, जेंट्री क्या होता है, पोल्ट्री और पुलिस, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल। सो टुडे टू रिकैप्चुलेट वी हैव ट्राइड टू कवर फॉलोइंग थिंग्स एंड यू मस्ट रिवाइज इट वंस एंड फॉर ऑल। वी लर्न्ड व्हाट इज नाउन, वी लर्न्ड द टाइप्स ऑफ नाउन, वी लर्न्ड what is numbers in nouns, we learned what is gender in nouns and we learned what is case in nouns। ये आप पूरा समझ लें उसके बाद आप noun के questions बनाएं। इतने जितने मैंने आपको बताया है इसके बाद और बार बार noun पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप questions लगाएं। कम से कम जो भी आप टॉपिक करते हैं उसके 100 questions का सेट लगाएं। पहले इसको समझ लें noun क्या होता है, types of nouns क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या examples हैं, नंबर क्या होता है, वही सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में नाउन में ये क्वेश्चन फिक्स है। जैसे मैंने आपको 5-7 वर्ड्स दिए ऐसे ये क्वेश्चंस वर्ड्स की लिस्ट है, हर ग्रामर बुक में अवेलेबल है और वो याद करनी पड़ती है कि किस किस को सिंगुलर यूज करना है, किस किस को प्लूरल यूज करना है, वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी नंबर्स के लिए। जेंडर में मैंने आपको समझाया कि नॉन लिविंग हो तो किसको प्लूरल माने, किसको सिंगुलर माने, सॉरी किसको फेमिनिन माने, किसको मैस्कुलिन माने। जो सॉफ्टनेस के लिए है उनको फेमिनिन माने, जो स्ट्रेंथ के लिए है, विगर के लिए उसको मैस्कुलिन मान ले। और केसेस को समझाया, केस में मैंने आपको बताया 3 टाइप के केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। दो वी विल डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल्स इन प्रोनाउंस आल्सो एंड वी आल्सो डिस्कस वो बॉयज लेग होता है, लेग ऑफ द बॉय नहीं होता। आई होप द बेसिक्स ऑफ नाउंस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।